नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपकी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देगी। मैं थक हार कर काम करके घर वापस आ रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर होने के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज में साफ सुन सकता था। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी मैंने देखा एक 8 से 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने मोंटी कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सबके सब सो रहे थे, मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई उस लड़के का ख्याल मेरे मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ, मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे पर उस बच्चे के पास एक ही अटपटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अटपटी चादर को कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को दान देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने मेरी आंख कब लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला बच्चा सोनू था ना, वो कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं, ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों से बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर मानव बनने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप किसी गरीब बच्चे या यतीम की मदद करना ज़रूर चाहेंगे। मैं फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।